यो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आइंडी क्राफ्ट। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हमको थोड़े बहुत विलेजर हब में प्रोग्रेस करना है एज यूजुअल, क्योंकि ये बाकी था। एंड बाकी शायद आज शॉप बनाएंगे या फिर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। लेकिन आज आप लोगों के लिए टारगेट है, लेट्स कीप अ टारगेट फॉर 150 लाइक्स एंड देखते हैं कि आज हम ये कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। वैसे आई नो यू गाइस कैन डू इट, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। 150 लाइक्स तो कोई भी बात नहीं यार, आप लोग चलो यार करा दो, कोई नहीं। तो गाइस सबसे पहले लेट्स गो एंड फाइंड अमेजिंग चीफ। उसको थोड़े से नेम टैग्स चाहिए थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा यू नो डीलिंग करके आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए आपको कितनी नेम टैग चाहिए अभी? जितनी दो डायमंड के बदले, फिर तो आपको ज्यादा मिलेगा। अभी एक डायमंड के बदले मैं तो इतना देने वाला था, थोड़ा और लेके आना पड़ेगा इसकी। रुको आपको थोड़ा और एक डायमंड के बदले 16 या 2? एक डायमंड के बदले 16। यस ज्यादा। अभी हम थोड़ा अरे 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 एकदम यार प्यारे, थैंक यू फॉर डायमंड एडवांस पेमेंट। I like advanced protection एकदम। तो guys हो गया हमारा villager hub totally ready। तो last time ये half था, अभी ये पूरा मैंने बना दिया एकदम ऊपर से end तक। यहाँ पे ऊपर कुछ changes हुए हैं, actually उतना ज़्यादा कुछ like नहीं हुआ है, बस यहाँ पे redstone block लगा के ये लगा दिया हुआ एंड दैट्स इट। तभी हमें इनके साथ करनी है ट्रेडिंग, बट अभी गोल्ड की थोड़ी कमी हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में सोच रहा हूँ कि नेदर से थोड़ा माइन करके आए, लेकिन ये कब तक करेंगे, क्योंकि मेन थिंग इज कि ये विलेजर हब जो है ये इतना आसानी से हम ट्रेडिंग क्यों कर पाते हैं, गोल्ड के वजह से। क्योंकि गोल्ड से हमें गोल्डन एप्पल बनाना पड़ता है एंड फिर उसके यूज़ से हमें इनको बार बार क्योर करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट है ये बरकरार रहे, क्योंकि हमेशा के लिए डिस्काउंट नहीं देते ये लोग। ये लोग कुछ दिनों बाद से इसका डिस्काउंट मतलब एकदम से पहले ऐसा प्राइस बढ़ाने स्टार्ट कर देते धीरे धीरे। मैंने कुछ जगह में नोटिस किया है ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग कमेंट में लिख रहे हैं शाउट आउट। एक्चुअली शाउट आउट लिखने से शाउट आउट नहीं मिलता है ब्रो, शाउट आउट नहीं मिलता है गाइस। यार शाउट आउट चाहिए तो कुछ अच्छा खासा कमेंट करो, कोई क्वेश्चन से तो कोई क्वेश्चन करो, मेरे को पूछो मैं जवाब दूंगा, मेरे से क्वेश्चंस करो, मेरे से इंटरेक्ट करो, मेरे को सजेशंस दो, बोलो तुम कि एक नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए एपिसोड में क्या क्या चीज़ें देखना पसंद करोगे, ये सब चीज़ बोलो मेरे को ज़रूर। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो उसी से तो मेरे को पता चलेगा कि ऐसे एंड क्या क्या करना है मेरे को एक्चुअली वीडियो में। तो यप टू द कमेंट, कमेंट सेक्शन तो इसीलिए है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ लिटरली। तो बहुत लोगों के कमेंट्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बहुत लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे को कुछ लोग सजेशन भी बहुत ही अच्छे खासे देते हैं। तो यप थैंक्स फॉर ऑल दैट। लेकिन हाँ ज़रूर, सिर्फ शाउट आउट मत लिखो कमेंट में, कमेंट करो, बातें करो मेरे से, पूछो मेरे से कुछ, मैं ज़रूर बताऊंगा तुमको, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी हमको टारगेट ये करना है कि एक गोल्ड फार्म बनाना है हमको। तो अभी स्टार्टिंग में गोल्ड फार्म बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी है नहीं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये विलेजर मेरे को डायमंड का लेगिंग्स एंड डायमंड का जूता दे रहा है। एन्चेंटमेंट इग्नोर करो, एन्चेंटमेंट उतना अच्छा नहीं आई नो। एंड अगर देखो यहाँ पे और दो ट्रेडिंग कर लिया ना तो इसका हाई लेवल हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको करा देते तो ये शायद कुछ और अच्छा खासा ट्रेड करता रहेगा। ओके कवर्ड मी विद डायमंड्स मैंने कर लिया है पूरा, क्योंकि यप इट्स दैट ईजी राइट नाउ। तो यप अभी इनसे मैं टोटल फुल्ली डायमंड आर्मर में, फुल्ली डायमंड गियर में ले सकता हूँ। यस बॉइज यस, देख रहे हो गाइस डायमंड माइन करे बिना कवर्ड मी विद डायमंड्स, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी इसमें एक काम करते हैं, बाकी जो सामान अभी मेरे को चाहिए नहीं वो सामान डाल देते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे विलेजर्स तो तैयार है नहीं। अभी ये लोग ब्रीड करेंगे, फिर पता नहीं कब जाके सब कुछ कंप्लीट होगा। फुल आर्मर बन चुका है अपना एंड देख रहे हो कितना ओपी लग रहा है। ओ या
अभी एक काम करते हैं, एक और विलेजर लेते हैं। चलो गाइस, स्मिथिंग टेबल ले लिया है मैंने। स्मिथिंग टेबल से हम टूलस्मिथ बना सकते हैं एक विलेजर को। एक विलेजर को अगर टूलस्मिथ बनाएंगे तो होपफुली वो बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स देगा। अभी तो बोला जाए तो मेरे पास डिसेंट, अरे यार ये उसी वक्त कूद गया। ओके नाउ इट्स गॉन, ये जल्दी से बन जाएगा। एंड यस देयर वी गो, तो इसको लेवल अप कर देते। पता है ये बेकार के स्टोन के शावेल इससे लेने पड़ेंगे थोड़े से। तो गाइस इस विलेजर को तो लेवल अप करेंगे ही एकदम से। एंड अभी कुछ और काम करने मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा। आ गए हम थोड़े हमारे बेस में वापस। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे को अभी अमेजिंग चीफ को ये सब चीज़ें वापस देनी है। तो बैरल क्या मैं बना सकता हूँ? तो ये मेरे को एक बैरल क्राफ्ट करना था। बैरल क्राफ्ट करके उसको बैरल में देना था ये सब चीज़। तो मैं आ गया हूँ इसके घर। एंड इसके घर के एकदम दरवाजे के सामने एकदम डिलीवरी डाल देते इधर से एकदम से। तो हाँ यहाँ पे मैंने उसको डिलीवर कर दिया। एंड यहाँ पे लिख भी दिया कॉन्टेक्ट इफ यू नीड मेंडिंग एकदम से। तो चलो अभी चलते हैं अपने घर। घर बोले तो अभी घर नहीं जाना, मैंने थोड़े बहुत नेदर में माइनिंग की थी। मेरे पास 32 इनगट्स है। अभी जाके टूल्स वगैरह का जुगाड़ करने। पोर्टल किधर गया भाई इसका? अभी मैं देखते हैं 5 बार क्योर कर सकता हूँ। तो अभी तो मेरे पास फुल आयरन मतलब फुल डायमंड के टूल्स वगैरह भी आ ही जाएंगे आराम से। बोले तो एकदम मस्त। अभी लाइक लिटरली मैं कितने एपिसोड से विलेजर के पीछे भागूंगा यार। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जल्दी से जल्दी आज सब कुछ करके ख़त्म करते हैं। पहले तो इस विलेजर को बहुत देर से मतलब ये वे कर रहा हूँ, लेवल अप कर रहा हूँ इसको। तो अभी चलो आगे देखो। गाइस फाइनली ये डायमंड का टूल्स देना स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्द शायद ये पिकैक्स या फिर कुछ और भी दे देगा। मैं इसके साथ कुछ 1 डायमंड से ट्रेड करता हूँ। 3 से ज़्यादा तो नहीं करने वाला ये बंदा। इसको मैं डायमंड तो नहीं देने वाला भाई, क्या यार अब मजाक है थोड़ी। डायमंड दे दूंगा ऐसे ही। तो 2 मतलब शवल अपने पास रखते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में लगेंगे शवल्स। गाइस फाइनली इसको मैंने मास्टर बना दिया। एंड ये मेरे को दे रहा है डायमंड के पिकैक्सेस एफिशिएंसी 2 के। तो इससे निकाल लेते 2 पिकैक्स ले। और निकाल ले के एक ही का दे रहा है। चलो तीन तीन टूल्स ही एक साथ देता है ये वाला विलेजर। चलो कोई बड़ी बात नहीं, अभी मस्त एकदम अपने पास डायमंड के टूल्स एंड डायमंड की सब चीज़ें फ्री में। अब बस नेदरराइट माइन करना पड़ेगा उनको भाई। बस एक और करेंगे वेपन स्मिथ बना देंगे यहाँ पे ग्राइंड स्टोन के यूज़ से। तो उसके बाद हमारे पास स्वॉर्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे एकदम से। स्वॉर्ड एंड आई गेस एक्स, वो दोनों चीज़ें अपने पास एकदम से तैयार हो जाएगा। वो ओपी हो जाएगा फिर तो एकदम से। गाइस फाइनली बहुत देर लिटरली इसको 3 बार क्योर करने के बाद मेरे पास फाइनली आई गॉट एन स्वॉर्ड। मतलब सीरियसली भाई, और एन्चेंटमेंट्स की बात छोड़ो, अभी हमारे पास फुल डायमंड गियर है। मतलब फुल डायमंड शावेल। वैसे एक एक्स मैंने लेके रखा था लेकिन फिर भी ऐसे यौन दे नहीं रहा है। मेरे को जाके एक्स लेके रहना चाहिए। अभी मैं एक और काम करूँगा कि इन सबको मतलब अच्छे से एन्चेंट करने के लिए एक एन्चेंटिंग टेबल में देखते हैं कि इनका एन्चेंटमेंट्स क्या आता है। फिर तो ओपी बात हो जाएगी एकदम से। ओ भाई यो बॉयज, आ चुके हैं हम अपने बेस में। एंड पीछे यहाँ पे मैंने बस एक कॉम्पोस्टर लगा दिया है। चेस्ट में बहुत सारे सीड्स वगैरह है जो मेरे पास पड़े थे यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करने से। तो बस हॉपर ये अरे ये क्या कर दिया। तो कॉमन सी बात है। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये मैं अभी अभी फिक्स किया यहाँ पे रहने वाले अपना एन्चेंटिंग टेबल। तो चलो अभी यहाँ पे काम शुरू कर देते। मैंने सारे स्टफ तो आई गेस लेके आए हैं। मैंने बुक्स नहीं लाए, एक्चुअली लाए हैं बोले तो मेरे पास इतने सारे तो नहीं लगेंगे आई गेस। तो इससे बन गया अपना एन्चेंटिंग टेबल। इधर रखना है अभी एन्चेंटिंग टेबल को। एंड इन बुक्स को प्लेस कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो ज़्यादा ही है अपने पास बोले तो एकदम से। आई गेस इतना काफ़ी है नहीं, या फिर और थोड़े 2 है तो इन्हें भी लगा ही देते। नहीं तो क्या करेंगे यार। अब एक एनविल लगाना है एंड एक कॉम्पोस्टर। एनविल डन। कॉम्पोस्टर बोला क्या? मेरे को ग्राइंड स्टोन चाहिए नॉट कॉम्पोस्टर। तो ये लग गया अपना ग्राइंड स्टोन। एंड आई गेस ये 30 लेवल एन्चेंटमेंट देगा नहीं, मेरे को पहले अनएन्चेंट डिसएन्चेंट करना पड़ेगा। जैसे कि शू को करे ये, पहले तो पिकैक्स को ही करते यार क्योंकि हमको एक अच्छा खासा पिकैक्स चाहिए सबसे पहले। तो गाइज आई एम बैक हियर। एंड देख लो मैंने क्या क्या एन्चेंटमेंट करी थोड़ी देर पहले। मेरे को एक सब पिकैक्स 1 जो कि एफिशिएंसी 5, फॉर्चून 2 एंड अनब्रेकिंग 3। अनफॉर्चुनेटली मेरे को फॉर्चून 3 नहीं मिला। मैं इसको फॉर्चून 3 करने के बाद ही डायमंड्स माइन करूँगा। एंड मेरे को इधर सब पिकैक्स 2 में सिल्क टच मिल चुका है एफिशिएंसी 5 के साथ। मेरे पास और ज़्यादा एक्सपी नहीं है। तो हाँ
एक्सपी फार्म करने के लिए अच्छा सा जगह बनाना पड़ेगा, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड फार्म हो सकता है। तो अभी तो गोल्ड फार्म बनाने जितना टाइम तो नहीं बचा है, वो हम करेंगे शायद नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ हम क्यों ना टॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ प्रोग्रेस करें इस वीडियो में। एंड गाइस इधर दिखा दूँ, इधर मैंने थोड़े बहुत शीप फार्म कर रहा हूँ मैं इधर इधर पे मैं, एंड चलो इनको ये कर देते हैं। लेकिन द थिंग इज ये जिस कलर्स के है ना, मेरे को ये कलर्स के नहीं चाहिए, मेरे को वाइट चाहिए, मेरे को ब्लैक एंड ग्रे नहीं चाहिए, मेरे को रेड चाहिए। तो सोच रहा हूँ कि आगे मेरे को रेड फ्लावर्स तो दिख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको रेड कलर के डाइज वगैरह लगा देते, डाइज लगा के इनको ब्रीड वगैरह करके हम बहुत सारे मतलब रेड एंड वाइट वुल मेरे को चाहिए होगा अगर मैं शॉप बनाना चाहूँगा तो। हाँ मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए होंगे, ज़रूरी है। तो लेट्स टेक देम, एंड इनके लिए शीयर्स एक्चुअली नहीं चाहिए, बेकार में ड्यूरेबिलिटी वेस्ट होगा इसका। और गाइस अगर किसी को पता नहीं हो, हम ऐसे रेड डाई हाथ में लेके उनपे ऊपर राइट क्लिक करके उनको कलर कर सकते हैं। तो इसको भी रेड कर देते, ये एक्चुअली उगने के बाद रेड हो जाएगा, एंड इसको भी रेड कर देते। और गाइस अब एक छोटा सा टाइम लैप्स है जिसमें मैं वुल फार्मिंग कर रहा हूँ अपने शॉप के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को वुल से थोड़ा सा अपना शॉप का डिज़ाइन वगैरह करना है। यो बॉयज लेट्स गो टू द शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट मैन, एंड अपना पहला शॉप शायद अपना ही बनेगा अभी तक। तो गाइस यहाँ पे अपना पोर्टल बनाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था, क्योंकि पोर्टल कुछ था नहीं, तो मैंने ही पोर्टल फुल कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। एंड चलो आगे टाइम लग देख के एंजॉय करो आप लोग इन नए कॉन्सेप्ट का कुछ। तो गाइज मैं इतना ज़्यादा अच्छा मतलब वुड से तो इतना अच्छा बिल्ड तो मैं कर नहीं सकता हूँ, बट मैंने अपना पूरा कोशिश किया। एंड इस बार का थीम कुछ ऐसा ही है कि ये सारी चीज़ें जो होंगी ये फ्लाइंग होंगी अपने मतलब शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी शॉप होगा, कोई भी कुछ होगा, सब कुछ फ्लाई कर रहा होगा। तो ये है कुछ ब्रिजेस। तो गाइज बताना कि कैसा लगा, एंड ये प्रोबेबली चेंज होगी क्योंकि हम थोड़े यहाँ पे नेदर के वुड इंक्लूड करने वाले हैं इन फर्दर एपिसोड्स, अभी नहीं। एंड हाँ अपना शॉप का कुछ मतलब ये एक टेम्पोररी शॉप है, ये परमानेंट शॉप नहीं है हमारा। क्योंकि इस तरह से सामान वहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि इतना मतलब इतना सारा सामान है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना हम सामान ला नहीं सकते। तो मैं सोच रहा कि क्यों ना हम इसको एक प्लेन से लेके आते। तो चलो भाई प्लेन वगैरह बुक करना पड़ेगा हमको, एंड एकदम से प्लेन से लेके आते हैं हम। तो गाइस हमारा प्लेन जो है वो इधर आ चुका है, जो हमने ऑर्डर किया था एकदम से मतलब बुक किया था जो प्लेन को, एंड इधर वो पूरा सामान भी लेके आया है, मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग की बुक्स जो ये बहुत डिमांड में आने वाली है, 3 diamonds each, मतलब 3 diamond में एक बुक बेच रहा हूँ मैं एकदम से, बोले मस्त एकदम। और इधर अपना एडवर्टीजमेंट भी दे रहा है हमारा प्लेन, बोले तो ओफ क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ओहो क्या मस्त लग रहा है, नहीं अरे अरे अरे। तो चलो गाइज आज हमारे पास और ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो आज यहीं पे हमको ये एपिसोड करना पड़ेगा जो है एंड। तो फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। एंड हाँ एपिसोड लेट क्यों आया, क्योंकि पता है भाई इतना कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता है यार, तो इसीलिए लेट आ रहा है थोड़ा एपिसोड्स, कभी कभार थोड़ा 11 बजे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू नो समझ जाना थोड़ा गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। यस yes.